हेलो डियर, तो आप लोग को वेलकम करता हूँ मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल चैनल पर। तो मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, जितने भी ANM के कैंडिडेट हैं, जो लोग 10,709 पोस्टों के लिए आवेदन किए हैं, चाहे वो पहले किए थे चाहे अभी किए हैं, तो एक खबर ये निकल के आ रही है, जैसा कि हम तमाम सोर्स से जिसे देखे हैं सुने हैं, तो एक अपडेट ये आ रहा है कि अब जो आप लोग के जो ज्वाइनिंग है, वह ज्वाइनिंग में काफ़ी डिले हो सकता है। फाइनल हो गया था कि मेरिट पर बहाली करना है, तो मेरिट पर बहाली कोर्ट ने बता दिया कि हाँ, मेरिट पर बहाली करना है। बट अब हो ये रहा है कि जो BTSC है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है, जिसके तरफ से वैकेंसी दिया गया है, आप लोगों को पहले से पता है कि पहले मेरिट पे होना था, साल भर गुजर गया टाइम, फिर लाया गया, नियमावली बदल दिया गया कि नहीं CVT पे होगा। अब CVT पे होगा तो सारा चीज़ CVT जो है हो भी गया, रिजल्ट भी लगभग आ गया था, तो इसी बीच में कोर्ट का ऑर्डर आया जो पहले से चल रहा था, लोग स्टूडेंट कैंडिडेट लोग जो है CVT के विरुद्ध में चले गए थे कोर्ट में, कोर्ट में चल रहा था मामला। इसी बीच में रिजल्ट जैसे ही दिया गया, कोर्ट का ऑर्डर आया कि नहीं, जो बहाली है वह पहले जो मेरिट पे आया था वो मेरिट के आधार पर ही चलेगा। अब हो ये रहा है कि कोर्ट ऑर्डर दे दिया कि हाँ भाई, मेरिट पर ही बहाली होगा, लेकिन अब जो BTSC है वह LPA दायर कर दिया है। LPA का मतलब होता है कि जैसे कोर्ट में बहुत सारे जजेज होते हैं, अब जैसे हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट में एक ही जज नहीं होते, बहुत सारे केस के अलग अलग जज होते हैं, तो जो जज पहले केस को ऑर्डर अपना सुना चुके हैं कि मेरिट से नहीं, इस चीज़ से CVT से नहीं, मेरिट से ही बहाली होगा, तो BTSC बिहार तकनीकी सेवा आयोग अब वो जो ऑर्डर सुनाए हुए जो जज है उनके बेंच में न जाकर किसी दूसरे बेंच में अपील किए हैं इस ऑर्डर के विरुद्ध में, मतलब इस ऑर्डर के खिलाफ में उन्होंने याचिका दायर किया है कि नहीं, CVT ही होनी चाहिए और एक बार ऑर्डर को पुनः जो है देखा जाए और उसको रीड किया जाए। अब इसका परिणाम यह है कि BTSC ने LPA दायर कर दिया, याचिका दायर कर दिया ऑर्डर के विरुद्ध में दूसरे कोर्ट, दूसरे जज के सामने, ठीक है। अब इसका क्या परिणाम आएगा? तो इसका परिणाम यही होगा कि जो चीज़ें क्लियर होता, मेरिट पर अगर क्लियर होना था तो मेरिट पर क्लियर होता, CVT पर अगर क्लियर होने वाला था तो CVT पे क्लियर हो जाता, जो चीज़ें ज्वाइनिंग अभी तक हो जाना चाहिए स्टूडेंट का, तो जो चीज़ें अभी ज्वाइनिंग हो गया रहता उसमें न जाने पूरे, देख लीजिए 2022 के लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है बहाली आपके दिए गए थे, 2022 से 23 हो गया, ठीक है, 2022 से 23 पूरा 1 साल हो गया, और लगभग इधर भी आपके जो है 6 महीने हो गए, समझ रहे हैं बातों को, तो कितने हो गए, लगभग 1.5 साल। तो इसका परिणाम आप लोग के सामने में है। अब देखने वाली बात होगी कि BTSC जो सरकार का अंग है वो कोर्ट में फिर से इस ऑर्डर के विरुद्ध में गया, ठीक है, और अब आगे क्या होता है ये चीज़ें देखने वाली बात है, कितना और आगे अब समय लगेगा, समझ रहे हैं चीज़ों को, कितना और आगे जो है समस्या उत्पन्न होगा, कितना और ज्वाइनिंग में डिले होगा, क्योंकि ऑलरेडी लगभग लगभग 1.5 साल समय बीत चुका है, समझ गए बातें को। देखिए, कहीं ना कहीं इस बहाली में शुरू से ही डिले है, अगर शुरू से डिले नहीं होता तो जो साल भर के बाद लगभग बताया गया कि आपके CVT से एग्जाम होंगे, उतना दिन में तो मेरिट बनाकर दे दिया रहता, लेकिन साल भर के बाद बोला जा रहा है कि नहीं, आपके CVT होंगे, उस समय तक कुछ नहीं हो रखा था, समझ रहे बातें को, ये चीज़ है। अब मेरिट बनाने के लिए दिया गया CVT के लिए, तो ऑर्डर कब दिया गया, 2022 में CVT का, और एग्जाम कब लिया, जनवरी में, समझ सकते हैं, तो यही सब सिस्टम है। बाकी नो डाउट कि इस बहाली में अब बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है, जो ज्वाइनिंग अब हो जाना चाहिए था उसमें अभी और समय लगेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि कोर्ट के चक्कर जैसे ही लगता है समय जाता है, दोनों तरफ से समय जाता है, ठीक है, सरकार भी समय अपना खपाना चाहती है, सरकार का ही अंग है BTSC, सर वो भी अपना समय जो है इसमें लैप्स करना चाहती है, ठीक है, और जो स्टूडेंट के साथ समस्या है वो तो है ही,
समझ गए चीज़ों को। बाकी देखिए क्या होता है, कब तक ज्वाइनिंग होता है, कब तक मेरिट देता है। अब ये तो जरूर है कि जैसे ही LPA दायर कर दिया गया है, मतलब इसका मतलब सीधी सी बातें हैं कि BTSC मेरिट पर तैयार नहीं है रिजल्ट देना, समझ रहे हैं। CBT पे ही रिजल्ट देने के लिए वो कोर्ट में ऑर्डर, फिर से ऑर्डर के विरुद्ध में अपना याचिका दायर कर दी है। तो जब मेरिट पर तैयारी नहीं है तो जाहिर सी बात है मेरिट भी नहीं बना होगा, मेरिट भी तैयारी नहीं हुआ होगा, तो रिजल्ट देने के सवाल ही नहीं आता। तो ये मामला केस में फाइनल ऑर्डर जो आ जाएगा कोर्ट से, फिर उसके बाद ही इस पर काम किया जाएगा। तब तक हमें लगता है कि 2024 लास्ट लास्ट तक आप लोग का ज्वाइनिंग होगा, समझ रहे हैं बातें को। तीसरा महीना चल रहा है ना, लास्ट लास्ट लगा ही देगा ये ज्वाइनिंग में, तो समझ सकते हैं, ठीक है। यानी पूरा 2 साल ले ही लेगा, सीधी सी बात हम कह रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी देखिए अब क्या होता है। लेकिन जहाँ तक लगे कि एक बार कोर्ट से जो ऑर्डर आ गया कि नहीं मेरिट पर ही बहाली होंगे, तो हमें लगता है कि दूसरे बेंच, दूसरे जजेज के सामने भी अपने याचिका दायर किए हैं BTSC, तो उनके याचिका में उतना ज़्यादा दम नहीं होगा। सीधा कोर्ट से ऑर्डर दे दिया जाएगा कि नहीं जो पूर्व के बेंच का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर ही मान्य होगा, यानी मेरिट पर जो ऑर्डर दिया गया है मेरिट पर ही बहाली करो। तो ये दायर करने का मतलब यही है कि ताकि समय थोड़ा सा और घिंचाए। अगर 1-2 महीना भी अगर इस बीच में चल जाएगा कोर्ट के चक्कर में, तो 1-2 महीना और डिले हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर हम कहेंगे कि कोर्ट का ऑर्डर ही आया अब, तो हम मेरिट तब तैयार किए। तो कहीं ना कहीं 2024 लास्ट खींच के ले जाने का संभावना है। बाकी देखिए क्या होता है आगे। जो भी देखिए जो भी होगा पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा, समझ गए। CBT लागू होगा तो जो अभी करेंटली पढ़ रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। मेरिट पर बहाली होगा, जो नहीं पढ़ रहे हैं अभी करेंटली में, पढ़ाई बंद किए हैं, उनके लिए भी बेस्ट है, समझ गए चीज़ों को। तो ये चीज़ें हैं, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।